हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली वीडियोस में मनी एंड बैंकिंग लिया गया था टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का। होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको इजी मार्क्स देने के लिए। इसको ध्यान से समझेंगे और जो भी इसकी आपकी इंक्वायरीज होंगी वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट बजट है क्या, इससे पहले हम समझ लें कि बजट क्या होता है। आप सबको पता ही है, बजट हम अपने घर में बनाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मंथ में आने वाले समय में क्या क्या आने वाला है, हमारे क्या क्या खर्चे हैं, हम उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर हमारे पास सरप्लस है तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर कोई कमी रह गई है तो फिर हम उसको कैसे अरेंज करेंगे। ये सब आप शायद नहीं करते, आपके पेरेंट्स करते होंगे। सो ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है इनकम लिमिटेड है और हमारे खर्चे, हमारे नीड्स अनलिमिटेड है। ओके, तो यहां बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये बैठकर आने वाले साल के लिए जितने भी रेवेन्यूज हैं, रिसीप्ट्स हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और जो जो खर्चे होने वाले हैं उनके बारे में विचार करते हैं और उसको एक स्टेटमेंट के रूप में मानते हैं। दैट इज गवर्नमेंट बजट। इफ आई डिफाइन इट, गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर। और कमिंग ईयर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है। ओके, सो गवर्नमेंट बजट पूरा, आप जैसे आप जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट टाइप बनती है, उस तरह से बन जाता है कि क्या क्या आने वाला है गवर्नमेंट को और कहां कहां पर वो लगने वाला है। ओके, आते हैं कि हम ये करते हैं क्यों, ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के। तो गवर्नमेंट के बजट के हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको हमें बड़े सोच समझ के यूज करना है। तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। गवर्नमेंट ने देखना है कि लास्ट ईयर हमारा हेल्थ सेक्टर में कितना लगा था, डिफेंस सेक्टर में कितना लगा था, एजुकेशन में कितना लगा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लगा था। अब उसके सिनेरियो के हिसाब से इस साल क्या क्या चेंज होने वाला है आने वाले साल में, तो उसको एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंट्री सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो प्लान करके गवर्नमेंट बजट में शो कर देती है कि हमें ये रिसोर्सेस रीएलोकेट करने हैं, ये वाला फंड अब वहां लगाना है, इस तरह से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट छूट जाती है तो वो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असर डालती है। दूसरा आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है प्राइसेस को कंट्रोल करना। ये जो वेरिएशंस होती हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कभी प्राइस बढ़ रहे हैं, कभी प्राइस कम हो रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशंस ठीक नहीं है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का प्लान करती है और ये सब गवर्नमेंट बजट में तय रहता है कि क्या होने वाला है, हमने मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली हैं, किस तरह से हम प्राइसेस को एक अपने कंट्रोल में रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जैसा कि पता ही है हर कंट्री में, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री, सब में ये समस्या है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो रिफ्ट है, ये जो गैप है, इसको भी कंट्रोल करना है और वो गवर्नमेंट के पास वेपन है बजट। उसमें कैसे करते हैं कि जो टैक्सेस हैं उनको रिच लोगों पर लगाने हैं और जो सब्सिडीज हैं या जो दूसरी कंसेशंस हैं, शॉप्स हैं, वो देने हैं गरीब लोगों को। इस तरह से वो रिफ्ट, वो खाई, वो जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कब आती है? वो तब आती है जब अच्छी सेविंग्स हो, अच्छी इनकम हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो। और इसके लिए फिर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, वो प्लान करती है कि किस तरह से बैंक रेट क्या होगा, किस तरह से हम अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या हमारी सेविंग स्कीम्स होंगी, हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, हम किस तरह से काम करेंगे, तो वो सारा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए काम करते हैं और उसके लिए हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की प्लानिंग करते हैं या और जो टैक्स कंसेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो प्रमोशन काउंसिल्स बनते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। लास्ट आता है हमारा मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज चला रही है, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं जिनमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। अब कई बार क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो है वो लॉस दे रहे होते हैं और वो अननेसेसरी बर्डन होता है, तो गवर्नमेंट उसके बारे में डिसइन्वेस्टमेंट का सोच लेती है।
या कुछ चीजों में वो कुछ सुधार करके उनको प्रॉफिट में ला सकती है, तो ये सब भी बजट में पहले से उनके लिए फंड्स या उनके लिए डिस्टेंसमेंट के प्लान्स जो है वो सोच दिए जाते हैं। तो ये ऑल हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स जिनके लिए हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। अब पता लग गया होगा कि इन सब जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो स्टेटमेंट बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी चल रही है। अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ना कॉम्पोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं। यहां पर दो चीजें हैं, जैसे कि बताई है कोई भी चीज, कोई भी अकाउंट बनता है उसका एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। यहां पर रिसीप्ट्स है और एक्सपेंडिचर है। बजट रिसीप्ट्स में दो तरह की रिसीप्ट्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स नाम से क्लियर है, ये रेवेन्यू है, इट्स अ काइंड ऑफ इनकम, ये गवर्नमेंट को मिलती मिलती है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई अपनी एसेट नहीं बेचनी पड़ती, ना ही किसी से कोई लोन लेना पड़ता, मतलब इट डज नॉट टच एनी लायबिलिटी और एनी एसेट, सो इट इज ऑफ रिवेन्यू नेचर। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टैक्सेस हैं, फीस है, फाइन्स है, ये सब गवर्नमेंट को मिलता है। ओके, अब आता है कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स का मतलब वो है वो रिसीप्ट्स जिससे या तो गवर्नमेंट की कोई एसेट कम होगी या उसे लोन लेना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, अब इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे कंपनी लॉस दे रही थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने उसको सेल कर दिया, तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसे मिल जाएंगे, बट दैट विल बी कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही गवर्नमेंट को किसी क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी से लोन चाहिए, वर्ल्ड बैंक से या IMF से या किसी और फॉरेन कंट्री से, तो वो फिर हमारा कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा। दूसरे जाते हैं हम बजट एक्सपेंडिचर में। बजट एक्सपेंडिचर हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम है, वो खर्च है जिनसे कोई एसेट टच नहीं हो रही, कोई एसेट नहीं आ रही, नहीं ना ही कोई लायबिलिटी पे अप हो रही है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी दे रही है, डिफेंस सैलरी दे रही है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, तो वो सारे के सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिनके जिनसे हमारे कोई एसेट या लायबिलिटी टच होगी, इट मीन्स कि मुझे कोई लायबिलिटी पे अप करनी, मैंने कोई लोन पे अप कर दिया, पुराना कोई लोन था वो पे कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई एसेट खरीद ली, कोई नई कंपनी खरीद ली, आपने कोई एसेट बना ली, तो दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो ये आज हमने दो तीन पार्ट्स किए हैं, इनके नोट्स आपके पास हैं, एक बार इनसे मैचअप कीजिए, इसमें कोई भी क्वेरीज होंगी फिर मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू।